भारतीय किसान यूनियन की ओर से शुरू हुए आंदोलन की जो आंच है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं। टिकैत की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों के हित की रक्षा के लिए फसलों के MSP की गारंटी के लिए कानून लेकर आए। वहीं अब इस मांग को लेकर टिकैत इस कदर अड़ गए हैं कि उन्होंने सरकार को धमकी दे डाली है कि किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं अगर सरकार MSP के लिए कानून नहीं बनाती तो 26 जनवरी दूर नहीं है। आप इसको गौर से सुनिएगा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 26 जनवरी दूर नहीं है। 26 जनवरी 2021 को क्या हुआ था वो देश भूला नहीं है, इसलिए सरकार अपने दिमाग ठीक कर ले, राकेश टिकैत कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी 4 लाख ट्रैक्टर और खड़े हैं। टिकैत ने कहा है कि सरकार अभी बात करने की लाइन में नहीं आई है और अब इस आंदोलन में और भी कुर्बानियां होंगी। टिकैत ने बता दिया है कि इस आंदोलन में अब तक 700 लोगों की कुर्बानियां हो चुकी है और अगर सरकार नहीं मानती है तो और भी कुर्बानियां हो सकती हैं। सीधी चुनौती सरकार को, दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल, अपने दिमाग ठीक करके MSP पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम बेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है, अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है, 26 जनवरी दूर नहीं है। आपको बता दूं कि 26 जनवरी को 2021 में क्या हुआ था, दरअसल हिंसक प्रदर्शन हुआ था। वहां पर निशान साहिब के जो तिरंगे हैं, वो जो झंडा है वो फहराया गया था, तिरंगे को वहां से हटा दिया गया था लाल किले की प्राचीर पर, यह हुआ था और अपमान साफ तौर पर हुआ था। एक बार फिर से राकेश टिकैत कह रहे हैं, तो ये समझना और सोचना जरूरी है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है, अभी से ही ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से राकेश टिकैत अड़े हुए हैं। तो MSP पर राकेश टिकैत पूरी तरह से अड़े हैं, MSP नहीं तो फिर चढ़ाई होगी। कहां चढ़ाई होगी आप समझ सकते हैं 26 जनवरी को क्या होने वाला है और क्या हुआ था 2021 में। तिरंगा वहां से हटाया गया, उसके बाद वहां पर निशान साहिब का जो झंडा है वो लगा दिया गया था। टिकैत की धमकी में कितना दम है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दोबारा वो गलती नहीं होगी। तो कानून हट गया है, आंदोलन जारी रहेगा, क्या गणतंत्र पर षड्यंत्र की तैयारी है एक बार फिर से, ये देखना होगा। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताए हैं कि आखिर राकेश टिकैत चाहते क्या हैं, क्या गणतंत्र के मौके पर षड्यंत्र तैयार है, क्या आंदोलन वापसी के बावजूद भी राकेश टिकैत जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडे को भुनाने और चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल नजर आ रहा है। तो कृषि कानून वापसी बिल जो है वो पास कर दिया गया है लोकसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जैसे वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष के जो सांसद है वो भी ये कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी तभी हम मानेंगे, इसी वजह से हंगामा लगातार हमने देखने के लिए मिला है लोकसभा में। इसके अलावा MSP पर कानून की गारंटी, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों पर वो वापस होने चाहिए, जिनकी शहादत हुई है इस किसान आंदोलन में उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, बिजली बिल माफ होना चाहिए, इसके अलावा जो पराली जलाने पर मुकदमे दर्ज होते हैं वो माफ होने चाहिए। ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में इस वक्त की कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर खास तौर पर कैसी तस्वीरें, राकेश टिकैत के वहां पर मौजूद है क्योंकि खुली चुनौती इस बार वो दे चुके हैं 26 जनवरी को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और हम भी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, हमारे साथ तमाम किसान जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। संसद में जो बिल है वो पेश कर दिया गया है वापसी को लेकर, उसके बाद भी विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है, क्या लगता है चुनावी मुद्दे को लेकर इसको बनाया जा रहा है किसान आंदोलन को? देखो ये तो राजनीतिक खेल है, इनके चलते रहेंगे उठा पटक, लेकिन किसान जो है ये चाह रहा है कि वार्ता करें और हमारी जितनी समस्याएं उनका हल हो है तो किसान अपने घर जाएगा, नहीं तो किसान यहाँ से नहीं हटने वाला है। अच्छा, तो वार्ता का क्रम शुरू करें तो, और उन्होंने कहा है कि 700 किसान जो शहीद हुए हैं उसको लेकर जो है उनकी मांगों को मांगा जा रहा है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि कमेटी बनाई जाए, उस पर काम होता रहेगा, बिल वापस हो गया तो आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कहना है। तो
क्या लगता है आपको कि क्या आंदोलन अभी भी खत्म है या फिर अभी आंदोलन का भविष्य लंबा है? आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेज पे बैठ के सारी विषयों पे डिस्कशन नहीं होने का है, तब तक नहीं खत्म होने का है। हम उसी दिन से कह रहे हैं जितेंद्र तो मेरी सबसे मेन समस्या थी एमएसपी की, आगे इनकी रणनीति क्या है, क्योंकि राकेश शुक्ला तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनके पास 4 लाख ट्रैक्टर तैयार है, वो चढ़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन आज लोकसभा में जो कृषि कानून वापसी बिल है वो पेश कर दिया गया है। अब क्या चाहिए किसानों को या किसान नेताओं को? इतिहासकारों के मुताबिक मुझे अंतिम रूप देते वक्त साफ नहीं आ पा जितेंद्र, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? कि भारतीय संविधान ऐसा हो जिसकी जड़ें जी जी हाँ हाँ मिल रही है जी, पूछिए सवाल। बिल्कुल जितेंद्र, आप ये बताइए इनसे, ये पूछिए कि अब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी दूर नहीं है, 4 लाख ट्रैक्टर उनके पास तैयार है, इसके अलावा चढ़ाई अब वो करेंगे, सरकार को अपना दिमाग ठीक कर लेना चाहिए, क्या ये जो शब्द हैं सिर्फ राकेश टिकैत के हैं या बाकी जो वहां पर किसान मौजूद हैं हजारों की संख्या में वो सब यही बोल रहे हैं? जितेंद्र, क्या मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? ठीक है, जितेंद्र को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और किसानों की जो भीड़ है वो भी पीछे नजर आ रही है, लेकिन किसान जो है हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मुआवजा का मुद्दा अभी बाकी है, राकेश टिकैत कहते हुए नजर आते हैं, एमएसपी पर कानून की गारंटी अभी बाकी है, जिन किसानों की शहादत हुई है, जो किसान शहीद हुए हैं, 700 किसान उनके परिवार वालों को जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए वो अभी बाकी है, बिजली बिल में कटौती होनी चाहिए वो अभी बाकी है, पराली जलाने को लेकर जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं देश भर में वो अभी बाकी है, तो चीजें अभी बाकी हैं, यानी कि उनका कहना है कि अभी तो हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर पूरी बाकी है। तो एमएसपी पर राकेश टिकैत अड़े हुए हैं और ये तैयारी जो है राकेश टिकैत ने कर ली है, सीधी धमकी जो है सरकार को दे दिया, ये कहें कि सीधी चुनौती है कि 26 जनवरी दूर नहीं है, 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं, चढ़ाई की पूरी तैयारी है, ऐसे में सरकार क्या रुख अख्तियार करती है और आगे प्रशासन कितना मुस्तैद रहता है ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।